आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इन्फिनिटिव। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि सेंटेंस है वी हेल्प ईच अदर, अगला सेंटेंस है वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर। पहले सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा है हेल्प, जो कि एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वी है। तो यहाँ पर ये जो हेल्प वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल भी सकती है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट शी और ही होता तो हेल्प्स हो जाता। तो इसे हम इंग्लिश की भाषा में फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, टेंस के अनुसार बदल जाती है। अगले सेंटेंस में आपको टू हेल्प नज़र आ रहा है। तो टू हेल्प आपको देखने पर वर्ब लग रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, वर्ब का नाम है, सिर्फ नेम है। तो यहाँ पर टू हेल्प में सब्जेक्ट के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, टेंस के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, और इंग्लिश के ग्रामर की भाषा में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ब जो है ना वो ट्राई है दूसरे वाले सेंटेंस में, और पहले वाले सेंटेंस में हेल्प है, ठीक है, दूसरे वाले में टू हेल्प है। ये जो है ये वर्ब का नाम है, वर्ब की जैसे काम नहीं कर रही है। यहाँ पर ट्राई जो है वर्ब है, क्योंकि वी सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार ट्राई में ही बदलाव होगा टेंसेस के अनुसार। टू हेल्प में कोई बदलाव नहीं होगा, इन्फिनेटिव में कोई बदलाव नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और क्लियर कर लेते हैं इस कन्फ्यूज़न को। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस है वी ईट टू लिव, ही ईट्स टू लिव, ही एट टू लिव। अब यहाँ पर देखिए टू लिव जो है तीनों में सेम बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं है, जो कि क्या है, इन्फिनिटिव है। लेकिन ईट का ईट्स हो रहा है, एट हो रहा है, तो टेंसेस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इनमें बदलाव हो रहा है, तो ये तो मेन वर्ब हो जाती है। लेकिन टू के साथ जो वर्ब की जैसे आपको नज़र आ रही ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो इन्फिनिटिव है। अब आगे हम इन्फिनिटिव के रूप, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनको देखेंगे। तो इन्फिनिटिव के कुल जो है वो 6 रूप होते हैं, 6। किस तरीके से? 4 टाइप्स होगी ना, एक्टिव वॉइस में आ जाएगी और 2 पैसिव वॉइस के अब बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर हम जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस के रूप देखें, सबसे नंबर 1 पे पहला है सिंपल इन्फिनिटिव, 2+ वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स देखें, टू हेल्प मतलब सहायता करना। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे टू डू, टू टीच, टू वॉश, टू राइट, एट्सेट्रा। तो ये है सिंपल इन्फिनिटिव। अब नंबर 2 पे हम चलते हैं, वो है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, टू लगेगा, फिर टू के साथ बी और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, यानी कि क्रिया में आईएनजी। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि टू बी हेल्पिंग, हेल्प का हेल्पिंग हो गया, तो क्या है, सहायता कर रहा होना। कुछ और एग्जांपल्स देखें, टू बी डूइंग, टू बी टीचिंग, तो ये हो गया कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब नंबर 3 पे हम देखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव को। इसमें क्या होता है, टू हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स देखें, टू हैव हेल्प्ड यानी कि सहायता कर चुका होना, ऐसा सेंस आएगा हिंदी में। और एग्जांपल्स देखें, टू हैव डन, टू हैव टॉट, तो ये हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब आगे हम चौथा जो इसका पार्ट है, जो इसका रूप है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, टू हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है। एग्जांपल्स देखें, टू हैव बीन हेल्पिंग यानी कि सहायता करता आ रहा होना, ये हिंदी में सेंस निकलेगा। और देखिए एग्जांपल्स, टू हैव बीन डूइंग, टू हैव बीन टीचिंग। तो इस तरीके से आपने जो इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो 4 रूप देख लिए हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस के रूप को देखेंगे, पैसिव वॉइस के टाइप को देखेंगे।
तो पैसिव वॉइस में सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिंपल इन्फिनेटिव। क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव। तो इसमें क्या है, टू बी, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि टू बी हेल्प्ड। क्या है? टू बी हेल्प्ड, यानी कि सहायता की जाना। और एग्जांपल्स देखें, टू बी डन, टू बी टॉट। नंबर टू पर है परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसका हम पैसिव बनाएंगे। इसमें क्या होता है, टू हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जांपल्स देखें, टू हैव बीन हेल्प्ड, यानी कि सहायता की गई होना। टू हैव बीन डन, टू हैव बीन टॉट। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है, इन्फिनेटिव को हम छह रूपों में बनाएंगे, सिक्स टाइप्स में। एक होगा एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। और पैसिव वॉइस में सिंपल इन्फिनेटिव और नंबर टू पर परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो टोटल हो गए ना सिक्स। अब यहाँ इसके आगे हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेंगे इनके, तो आपको क्लियर हो जाएगा इन्फिनेटिव का पूरा तो टॉपिक। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जो पैसिव है ना, सिर्फ सिंपल इन्फिनेटिव का बन रहा है, ठीक है, और परफेक्ट इन्फिनेटिव का, दो का ही इन्फिनेटिव का हम पैसिव बना रहे हैं, क्योंकि दो का ही बनता है। एग्जांपल है, मैंने उसे वहाँ जाने की सलाह दी। आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। तो ये है सिंपल इन्फिनेटिव, टू के पास यहाँ पर वी वन का यूज़ हुआ है। सिंपल इन्फिनेटिव का सबसे अधिक यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप है। और इस सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ जो है, जो सेंटेंस होगा ना उसके स्टार्टिंग में हो सकता है, जो वर्ब होगी ना उसके बाद में हो सकता है, और जो नाउन होगी ना उसके भी बाद में हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव होगा उसके बाद में हो सकता है। इस तरह से अलग अलग जो प्लेसेस होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है, जो अभी मैंने आपको सभी बताई। चलिए एक और एग्जांपल देखें। मैं समय पर आने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। तो टू कम यहाँ पर क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव, जो कि ट्राई वर्ब है ना उसके बाद में आया है। अब एग्जांपल देख लें कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का। इसमें क्या होता है, टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है ना। तो एग्जांपल है, कुत्ता तुम्हारी ओर आ रहा है ऐसा लगता है। द डॉग सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू। तो इस तरीके से टू बी कमिंग यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इट सीम्स दैट द डॉग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पर विदाउट इन्फिनेटिव भी हमने सेंटेंस को बनाकर देखा है। तो नाम से ही दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, यानी कि काम अभी जारी है कुत्ते के आने का। अब आगे हम पैसिव वॉइस देखेंगे, जिसमें कि सिंपल इन्फिनेटिव का एग्जांपल देखेंगे। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है, इस कमरे को सजाने की ज़रूरत है, यानी कि कोई काम किए जाने की ज़रूरत है। तो द रूम नीड्स टू बी डेकोरेटेड। तो यहाँ पर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, ये क्या है, पैसिव में है सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे कि एक्टिव में क्या होता है सिंपल इन्फिनेटिव के, जैसे वर्ब है राइट, यानी कि लिखना। अगर हम इसका पैसिव देखेंगे तो क्या है, किया जाना, कोई काम किया जाना, तो टू बी रिटर्न, यानी कि लिखा जाना। एक और एग्जांपल देखें, इस घर को रंग देने की ज़रूरत है। दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड। तो यहाँ पर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो ये भी पैसिव में हो गया सिंपल इन्फिनेटिव। तो अभी तक आपने देखा कि जो इन्फिनेटिव होगा उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है वहाँ पर इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि सेंटेंसेस में कुछ वर्ब्स है, जैसे मेक, लेट, वॉच, सी, फील, हियर, ये वर्ब्स होगी ना तो इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, उसने मुझसे यह लिखवाया। तो ही मेड मी राइट दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट वर्ब
मेड दो मेन वर्ब हो गई, तो राइट यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसके साथ टू नहीं आया है। अगला सेंटेंस देखें, उसने मुझे यहाँ बैठने दिया, ही लेट मी सिट हेयर, तो सिट यहाँ पर इन्फिनेटिव है और लेट यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इस तरीके से आपने जान लिया, जब ये वर्ब्स आ जाएगी ना, मेक, लेट, वॉच, सी, फील, हेयर, तो विदाउट टू हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो आपको कई बार मेक और सी वर्ब्स के साथ टू लगा हुआ नज़र आएगा, तो वो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर इनके साथ टू लगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है उसके कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।